चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर ज्वाइंट एज शोन इन द फिगर, टू बैटरीज ऑफ EMF E1 एंड E2, इफ E2 इज शॉर्ट सर्किटेड द करंट थ्रू R1। देखो ये R1 है, यहाँ R1 है, ये R2 है, ये E1 है और ये E2 है। इसको E2 को कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब है ये बैटरी अब यहां नहीं रह गई, ये एक कॉपर का वायर बन गया, प्योर वायर बन गया। अगर ये पूरा वायर बन गया कॉपर का, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है जो करंट यहां से बैटरी से, इस बैटरी से चलेगी, ठीक है, वो R1 रेजिस्टेंस, ये R1 रेजिस्टेंस है, R1 से होते हुए सीधे यहां पहुंचने के बाद सीधे इधर चली जाएगी, इधर नहीं जाएगी। ये पॉइंट याद रखना, क्यों? क्योंकि ये पूरा वायर है कॉपर का, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो चुका है, अब ये बैटरी या सेल नहीं रह चुका है, अब इधर ये पूरा एक वायर कॉपर का वायर बन चुका है और यहाँ रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होगा इस साइड में, ठीक है। इधर रेजिस्टेंस है R2, तो ऑब्वियस सी बात है करंट उधर ज्यादा जाती है जिधर रेजिस्टेंस कम होता है, तो रेजिस्टेंस कॉपर की तरफ कम है तो सारी करंट इधर चली जाएगी और ये करंट इधर से होते हुए इधर निकल जाएगी, यानी R2 वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगी। और अगर करंट नहीं जाएगी तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, EMF डिवाइडेड बाई टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सिर्फ यही रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, R2 तो यूज ही नहीं हो रहा है क्योंकि करंट इधर जा ही नहीं रही है, तो सिर्फ R1 रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 हमने यूज कर लिया। ये हो गया आपका, कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।